नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली में कांग्रेस के हवाले से, जहां पर ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस को साल 2022 में अपना नया अध्यक्ष मिल सकता है। ये बात मधुसूदन मिस्त्री ने प्रेस कर्मियों से बात करते हुए कही। उन्होंने बताया कि सितंबर 2022 के अंत तक कांग्रेस अपना नया अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि ये बात उन्होंने सोनिया गांधी से बात करके कही। सोनिया गांधी जो सन 2019 से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष पद पे स्थित है, उन्होंने ये बात कही कि 2022 में कांग्रेस अपना नया अध्यक्ष चुनेगी। आपको बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उनकी ही माता सोनिया गांधी को कांग्रेस ने अंतरिम अध्यक्ष बनाया और सन 2022 तक सोनिया गांधी ही अंतरिम अध्यक्ष रहेंगी। कांग्रेस पार्टी इस वक्त पूरे देश में डिजिटल सदस्यता अभियान चला रही है। इस सदस्यता अभियान के तहत कांग्रेस के लोग युवाओं को और महिलाओं को कांग्रेस से विशेष तौर पर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये अभियान मोबाइल के तहत चलाया जाएगा, जिसमें तमाम देश में कांग्रेस के यूथ वॉलंटियर्स जाएंगे और लोगों के घर घर पर जाकर और अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कांग्रेस में और लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये अभियान जो है वो सोनिया गांधी जी द्वारा शुरू किया गया है। उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों में कांग्रेस की छवि खराब हो रही है पूरे देश में, उसको सुधारने के लिए अब कांग्रेस जमीनी स्तर पर काम करना शुरू करेगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी कई बार कांग्रेस पर चुटकी लेती हुई नजर आई है, क्योंकि जिस प्रकार से हम देख पाते हैं कि गांधी परिवार के ही एक सदस्य को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है, तो ऐसे में लोकसभा में भी कई बार ये सवाल उठाए गए हैं कि पार्टी की जो इंटरनल डेमोक्रेसी है वो कितनी कमजोर है, क्योंकि जिस पार्टी में अध्यक्ष एक परिवार के अलावा कोई और नहीं हो रहा, तो वो पार्टी देश की डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट कैसे करेगी। इस चीज को लेकर भाजपा द्वारा कई बार व्यंग्य किया जाता है। मधुसूदन मिस्त्री ने ये बात आश्वासन देते हुए कही है कि अक्टूबर 2022 के पहले दिन में ही कांग्रेस के पास अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये नया राष्ट्रीय अध्यक्ष या तो राहुल गांधी को फिर से बनाया जाएगा या फिर प्रियंका गांधी को एक नया उभरता हुआ चेहरे के तौर पर कांग्रेस अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करेगी। जब सवाल किया गया कि चुनाव सदस्यों की टीम में कौन कौन लोग होंगे, तो इस पर मिस्त्री ने बयान देते हुए ये कहा कि जो भी चुनाव के सदस्य होंगे वो माननीय अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की राय पर और कांग्रेस पार्टी वर्कर्स की एक मीटिंग के बाद तय किया जाएगा कि जो जो लोग अध्यक्ष का चुनाव करेंगे वो लोग भी पार्टी के ही सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर सामने आएंगे। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक परिवार को क्यों ना हटाकर एक ऐसे अध्यक्ष को लाया जाए जिसको पार्टी के सभी लोग स्वीकार भी करें, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि पिछले साल जब कुछ लोगों ने राहुल गांधी के अगेंस्ट चुनाव लड़ा था अध्यक्ष का, तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। ऐसा ही हमने क्योंकि पिछले साल भी देखा है, जब शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी के अगेंस्ट में अध्यक्ष पद के लिए अपना नाम आगे दिया था, तो उनको कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन थामा और अब भाजपा उन्हें बड़ी जिम्मेदारियों के तौर पर एक बड़ा नेता प्रस्तुत कर रही है। क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, इंदिरा गांधी के ज़माने से ही कांग्रेस में परिवारवाद जिस प्रकार से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसको लेकर कांग्रेस के भी कई आला लोग इस वक्त कांग्रेस से रुष्ट नज़र आते हैं। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क के साथ।